आइए बात करते हैं देश पांडे जी से, आज जो स्टेट सबमिट हुआ है उसके बारे में क्या कहना है। हर किसी के मन में एक आशंका थी कि क्या होने वाला है, हालांकि आज तक पूरा पूरा समाधान नहीं हुआ आशंका का कि क्या होने वाला है। सबको जो घर जाएगा या अपने कारखाने में जाएगा उसको पूरा मालूम नहीं है कैसा जाएगा, लेकिन क्या क्या व्यूज है बाकी लोगों का उसके बारे में सबको अंदाज आ रहा है। अंदाज के हिसाब से एक एक विचार आता है मन में, जो कुछ जब अकेले नहीं है जो मिल जाएगा बाकी सब लोग, या कुछ किसी का फायदा होने वाला है तो हम अकेले नहीं जाएंगे हमारा फायदा होने वाला है, उसको बिलीव नहीं। मेरे मेरे अपने ख्याल से उस बच्चों के अंदर हमने विचार नहीं किया था, मुझे उसके बारे में विचार किया सब इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास हो रहा है, गवर्नमेंट भी और आप लोग लगे हुए हैं, क्या गवर्नमेंट से चाहते हैं आप, क्या सरकार से कुछ उम्मीदें हैं आपको इस इंडस्ट्री को, जो बेरोजगार यहाँ पे लोग ज़्यादा होने जा रहे हैं, या ऐसा कुछ लग रहा है? ऐसा है कि पैसा भी बताया गया है कि करीब 10,000 करोड़ का बर्डन आ रहा है इंडस्ट्री का, कैपेसिटी है 1,000,000,000 पर टन बर्डन आता है 1,000 एक तो इसमें यह है कि बर्डन जो है वो सबके ऊपर बराबर नहीं आएगा, किसी के ऊपर में 1,000 तो 5,000 हो जाएगा, किसी को 200 रुपया हो जाएगा और किसी को फायदा हो जाएगा इसका, तो जिसको आप बढ़ेगा उसके बारे में चिंता करो। ऐसे लोग होंगे करीब 10 मिलियन टन 20 मिलियन टन कैपेसिटी वाले लोग, तो ये डीआरआई इंडस्ट्री जो है मैं समझता हूँ ये हाइएस्ट कॉस्ट इनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, इनको अनसर्टेनिटी आएगी क्या होगा, इंडस्ट्री चलेगा कि नहीं चलेगा। आपने ऐसा बताया कि एम्प्लॉयमेंट डीआरआई इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, मैं चाहता हूँ डीआरआई इंडस्ट्री में तकलीफ में आएगी तो एम्प्लॉयमेंट में तकलीफ में आएगी, बहुत थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने ऐसा नहीं है और एम्प्लॉयमेंट में तकलीफ आएगी तो गवर्नमेंट के लिए कोई कठिनाई सामने खड़ी पड़ेगी। लेकिन इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को इंटरव्यू करने का बहुत ज़्यादा मौका भी नहीं है, गवर्नमेंट इंटरव्यू कहाँ करेगा, शायद क्वालिटी कम करेगा पढ़ाएगी उनके हाथ में वो कर सकता है, लेकिन स्टेट से लोगों के सहमति लेकर के रॉयल्टी उसको कम कैसे करेगा, रॉयल्टी सही उसका मुद्दा नहीं है, उसका सही मुद्दा है कि IBM बेस प्राइस है वो प्राइस का 100% प्रीमियम, ये दिक्कत है। तो IBM का प्राइस कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल रख सकती है ये चिंता है। जैसे पास में जो चर्चा हुआ उसमें क्लियरली आंसर ऐसा नहीं आया सामने में कि गवर्नमेंट का IBM प्राइस कंट्रोल करने की क्षमता है, लेकिन गवर्नमेंट गवर्नमेंट है तो अगर सबको एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री सबको दिक्कत आ जाए सकती है तो कुछ ना कुछ तो कर पाऊँ, मेरे ख्याल से उनका सही रास्ता रहेगा कि IBM का प्राइस को वो ध्यान दें, उसके ऊपर कैसे कम करेंगे इसके ऊपर वो अपना विचार करें, इंडस्ट्री से सुझाव मांगें, IBM से सुझाव मांगें, सुझाव आ जाएंगे रास्ता खुल जाएगा, पैसे जितनी बढ़ रही है उतनी नहीं ये हमको विश्वास है। मेरे कोई इंडस्ट्री नहीं है, मेरा कुछ पर्सनल नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन जैसा आप देखते हैं इंडस्ट्री पिछले कई वर्षों में देखा हुआ है क्या दिक्कत आती है, कैसे इंडस्ट्री से बाहर आती है। फोकस जी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।